साथियों, बाबा कसाब के साथ जो किया गया वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे, एक महान नीति निर्माता थे, एक महान लेखक थे, एक महान कानूनविद थे। जिन सामाजिक परिस्थितियों में बाबा साहब ने इतनी ऊंचाई हासिल की वो असाधारण थी, वो अभूतपूर्व थी। एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस बाबा साहब को कभी राजनीति का वो दौर भी देखा जो बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की बात कहते कहते उन्हें भी धोखा दे दिया। बदलती की राजनीति बदलने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना नारा बना लिया है, सबसे पहले परिवार और बाद में रिश्तेदार। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की जो तकलीफें उन पर जो गुजरी सब भुला दिया है। पश्चिमी यूपी में कितना बड़ा पाप हुआ, पूरा देश इसका गवाह रहा। कैसे महान बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे लोगों को अपना घर अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, ये देश ने देखा है। जब पश्चिमी यूपी चल रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे, तब उसके पीड़ितों की आवाज को अनसुना करने वाला कौन था? कौन था जिसने गुनहगारों को बचाया? कौन था जिसने इंसाफ के लिए तब उत्तर प्रदेश सरकार से कितनी ही मिन्नतें की, लेकिन किसी ने सुना नहीं।